नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे से दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर ललित कुमार गंगेले का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा जानकारी दे सकूं यूटीआई के बारे में, और अंत में मैं इसका उपचार भी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब है पेशाब का रास्ता, और इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण। मतलब पेशाब के रास्ते के संक्रमण को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई के नाम से जानते हैं। और इन दिनों ये बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम बना हुआ है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हो ये रहा है कि आज से 5 साल 7 साल 8 साल के पहले ये जो बीमारी थी, ये एज एक्यूट डिजीज पाई जाती थी, ये आज के दौर में एक क्रॉनिक बीमारी बन चुकी है। हमने अपने कैरियर में कम से कम सैकड़ों केसेस ऐसे देखे हैं जो इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को 10-10, 12-12 साल से लेके चल रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन किसी और ऑर्गन के इन्फेक्शन से अलग है। दोस्तों, ये हमारी किडनी है, ये दो है किडनी, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ठीक है ना, जो लाल कलर का देख रहे हैं। ये किडनी हमेशा ब्लड को छानती है, ब्लड को छान करके ये ब्लड के अंदर से यूरिन के रूप में इंप्यूरिटीज को निकालती। अब जब ये ब्लड को छानती है तो इससे निकलने वाली जो यूरिन है वो ये जो आप ब्राउन कलर की दो आप नलियां देख रहे हैं, इसको कहते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर के थ्रू ये किडनी से जो छना हुआ ब्लड है जो यूरिन में तब्दील हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, को यूरेटर के थ्रू इस पेशाब की थैली तक लाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर। और जब पेशाब की थैली अच्छी खासी भर जाती है तो फिर बंदे को बाथरूम जाने की इच्छा होती है, और ये जो है मूत्र नली, जिसको बोलते हैं पेशाब की नली या फिर यूरेथ्रा, वो इसके थ्रू सूसू के थ्रू वो पूरी चीजें हमारा यूरिनरी सिस्टम शरीर से बाहर कर देता है। तो अगर हम इस ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है यूरेथ्रा से नीचे से लेके ऊपर किडनी के बीच में किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। और जब ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट के या फिर यूरिनरी सिस्टम के, जब अलग अलग कंपोनेंट में इन्फेक्शन होता है तो उसका नाम भी अलग होता है और उसके सिम्टम्स भी अलग होते हैं। बट मोर और लेस द सिम्टम्स ऑफ द यूटीआई आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई, क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ यूटीआई बता रहा हूं कि किसी को हो सकता है सिर्फ यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब पेशाब की नली जो ब्लैडर से लिंग के अंदर से होती हुई बाहर की दुनिया में खुलती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, ठीक है ना। इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर मतलब मूत्र की थैली जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जब ये मूत्र की थैली का इन्फेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ किडनी, जब ये ऊपर जो दो मेन किडनी हैं, जब ये यूटीआई में इन्फेक्टेड होती हैं तो उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस। और एक और चीज कि मर्दों के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषों के अंदर लिंग के जस्ट पीछे और नेक ऑफ ब्लैडर के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और कई लोगों के अंदर, कई ओल्ड एज्ड या मिड एज्ड मेन के अंदर जब उनको यूटीआई होता है उसमें वो प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है ना। बट इन 90% केसेस यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। 90% केसेस के अंदर जो यूटीआई होता है उसका जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा और ब्लैडर तक ही सीमित होता है, 90% से ज्यादा। अब यूटीआई होता क्यों है? दोस्तों, यूटीआई एक असेंडिंग इन्फेक्शन है। असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब कि जो बंदा होगा, जो पेशेंट होगा, उसको इन्फेक्शन हमेशा किस जगह से पड़ेगा, किस जगह से पकड़ेगा वो इन्फेक्शन,
वो हमेशा यूरेथ्रल ऑर्थोट्रॉफिक जहां पे ये मेरा कर्सर है यहीं से इन्फेक्शन होगा, और ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा कि पहले सबसे पहले यूरेथ्रा में छोटे से पॉइंट पे कोई भी इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन ने पहले यूरेथ्रा को कवर करा, अगर उसको नहीं रोका गया तो उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर लेगा और अल्टीमेटली यूरेटर से होता हुआ वो किडनी तक जा सकता है अगर समय रहते किसी ने इस पेशेंट का अच्छे से इलाज नहीं किया। तो अगर आपको यूटीआई है, आपके किसी परिजन को यूटीआई है, तो प्लीज उसको लाइटली ना लीजिए, आज नहीं तो कल अगर उसका रैशनल ट्रीटमेंट नहीं करा तो किडनी फेल होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों आते हैं हम इसके सिम्टम्स के ऊपर कि जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो जनरली वो कौन से लक्षण हैं जो एक पेशेंट को होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन साइन एंड सिम्टम, सबसे पहला है डिसयूरिया, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइन होगा यूरिनरी ट्रैक्ट का वो होगा डिसयूरिया, DYSURIA। डिसयूरिया मतलब तकलीफ देह यूरिनेशन, वो यूरिनेशन जिसके साथ पेन, बर्निंग, पेड़ुओं में दर्द, टेनास्मस ऑफ ब्लैडर, नेक ऑफ ब्लैडर का स्पाजम, ये सब होता है इसके अंदर और ये बहुत तकलीफ होती है। दूसरा है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, मतलब हमेशा पेशाब जाने की इच्छा रहेगी एंड पासिंग जो होगी वो फ्रिक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। एक यूटीआई के पेशेंट के अंदर जो सबसे दूसरा कॉमन सिम्टम होता है वो होता है उसको बार बार पेशाब जाने की, मतलब कंटिन्यूअस डिजायर होगी। वो अब भी बाथरूम से सुसु करके आया और आके बैठा भी नहीं है पर उसको अभी भी इच्छा बनी है कि यार मेरे को बाथरूम जाना है और जाएगा, कुछ होगी नहीं, बिल्कुल छोटी सी मात्रा जलन के साथ कुछ कुछ बूंद, 4-8-10 बूंद होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पेल्विक पेन इन वुमेन एस्पेशली इन द सेंटर ऑफ पेल्विस एंड अराउंड द प्यूबिक बोन। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि 90% केसेस जो यूटीआई के हैं वो महिलाओं के अंदर ही होते हैं, पुरुषों के अंदर सिर्फ 10% केसेस यूटीआई के होते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो है यूरेथ्रा में और ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के, उस वजह से जो ब्लैडर की नेक होती है, नेक मतलब ब्लैडर जहां पे यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहा है वहां पे एक प्रकार का इरिटेशन और स्पाजम होता है और उसके वजह से पेल्विक बोन के अंदर, पेल्विस के रीजन में महिलाओं को दर्द रहता है। एंड द लास्ट सिम्टम ऑफ द सीवियर यूटीआई इज द हीमेचूरिया। जी हाँ दोस्तों, अगर यूटीआई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, तो जो बंदे को है वो यूरिन के अंदर खून तक आ जाता है क्योंकि साइट ऑफ इन्फेक्शन से ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी की जांच कराते हैं ये लोग, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं कि किसको ये रिस्पॉन्ड करेगा, किसको ये रेजिस्ट करेगा, और जिन एंटीबायोटिक को रिपोर्ट में रिस्पॉन्ड आता है वो एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं, कुछ दिन में पेशेंट टेम्परेरीली सही हो जाता है। यूटीआई इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइकोटिक मायसम, कि जो लोगों के अंदर साइकोटिक माया, अगर आप साइकोटिक मायसम को नहीं जानते हैं तो कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज देखिएगा, एक वीडियो है साइकोटिक मायसम, ये एक होम्योपैथिक टर्म है, होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी, होम्योपैथिक कंसेप्ट है, और आप में से जो डॉक्टर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि साइकोटिक मायसम के केस के अंदर यूरिनरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है और बार बार पाई जाती है। कहने का मतलब किसी ने अगर आज अगर यूटीआई देखा है अपने लाइफ में, उसने अगर फेस किया है, तो इस बात के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों कि आपको भविष्य में भी ये यूटीआई होगा, और जब जितनी बार आपको यूटीआई होगा ये हर बार के साथ सीवियर होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आता है मेरे पास वो लोग आते हैं कि एंटीबायोटिक से भी वो ठीक नहीं होता। तो दोस्तों इसका परमानेंट और 100% क्योर सिर्फ होम्योपैथी में है। आप सीधे सीधे इसकी दवाओं के ऊपर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये साइकोटिक मायसम का प्रॉब्लम है, इसके पीछे साइकोसिस है, साइकोटिक मायसम है होम्योपैथी के अंदर, होम्योपैथी नॉलेज के अंदर। तो हमको इसको सही करने के लिए जो मेडिसिन देनी पड़ेगी वो साइकोटिक हेरिटेज की मेडिसिन होगी, तभी यूटीआई परमानेंटली सही होगा। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर, द फर्स्ट वन इज द थूजा 200 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। द सेकेंड मेडिसिन इज द पल्सेटिला 200 पोटेंसी में 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे।
इन दवाओं का आपको लगभग, अगर आप यूटीआई अगर आपने एक भी बार देखा है अपनी लाइफ में या फिर रिसेंटली आपने सफर करा है, तो कम से कम एक महीना आप इन दोनों दवाओं का सेवन करें। और मैं आपको इस बात को बहुत ही विश्वास दिला करके बोल रहा हूं कि आप इस प्रॉब्लम से जड़ से निजात पा जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। आने वाली सैटरडे में 2 दिन 3 दिन बाद आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।